खबर पन्ना से है, जहां पर बड़े स्तर पर पुल निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल का निर्माण हुआ था। करोड़ों की लागत से बना पुल मौसम की बारिश की मार को नहीं झेल पाया और पुल में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लेकिन अब ये पुल किसी बड़े हादसे को न्योता देता नजर आ रहा है। हम आज पहुंचे हुए हैं गुनौर विधानसभा मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित सलेहा क्षेत्र से कलदा होते हुए जो मार्ग पर नए पुल का निर्माण कराया गया है, जो कि देखा जा रहा है यहाँ पर रोड के इस साइड में जो मिट्टी डाली होती है, मिट्टी का पुराव होता है, वो पूर्ण तक खिसक चुकी है। कभी भी किसी बड़े हादसे को कहीं ना कहीं ये पुल ये सड़क न्योता दे रही है। बड़े पैमाने पर जो यहाँ के ठेकेदार होते हैं, जिसने टेंडर लिया था, कई करोड़ों की लागत से पुल का निर्माण कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जाता है, जिस भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से पुल निर्माण कार्य भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें जो है तो घटनाएं की बहुत अवस्थाएँ हो सकती हैं, तो आप इसका थोड़ी देख रेख करके जल्दी से जल्दी। क्या किसी बड़ी घटना को न्योता दे रही है इस पुल? हाँ दे रही है। क्या होना चाहिए इसमें सर? सुधार होना चाहिए इसका। कब बना है पुल? ये बना है 2 साल के करीब हुआ है। ये अभी 1 साल से ज़्यादा नहीं हुए बने इस रोड को। यहाँ गड्ढा हो गया, कभी भी हादसा हो सकता है रात में। क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन इसको सुधार करवाए। क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर? हाँ भ्रष्टाचार। ये जानकारी हुई ऐसी कि जो मुटमुरू के रास्ते में जो पुल पड़ता है वहाँ पे गड्ढे हो गए हैं, ऐसी जानकारी में आया है। मैं अपने संगठनात्मक रूप से अपने जिलाध्यक्ष जी को, माननीय सांसद महोदय को और जो भी संगठनात्मक पदाधिकारी हैं उनको मैं इस समस्या से अवगत कराऊंगा और जल्द ही मैं प्रयास करूंगा कि मेरे मंडल अंतर्गत जो भी ऐसी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। मैं संबंधित अपने पदाधिकारियों को इस विषय की जानकारी दे करके और प्रयास रहेगा कि जल्दी ही उस समस्या से निराकरण। चार तो बहुत चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचारी पे हम लेटर अधिकारियों को लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं किसमें जांच कराई जाए और जांच में आजकल जो जानते हो भ्रष्टाखोरी में सब जांचें आचे एक तरफ रख जाती हैं। और सलीहा मार्ग पर पुल का निर्माण हुआ है जिसमें साइड की मिट्टी खिसक चुकी है और रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है, कई करोड़ों की लागत से पुल का निर्माण हुआ था, क्या कहेंगे? मैंने मौके में तो नहीं देखा, हो सकता है नया पुल हो, अभी मिट्टी पड़ी रही हो तो उसका जो एबटमेंट का एरिया रहा हो सकता है उसका कुछ एरिया क्षतिग्रस्त हुआ हो, क्योंकि बाढ़ लगातार पूरे प्रदेश में पूरे देश में चल रही है। ठेकेदार की संबंधित ठेकेदार की 5 साल गारंटी में रहती है, अगर वो गारंटी पीरियड के अंतर्गत है तो उसको ठीक करवाया जाएगा। हम आज